সিন্ধু সুসংপূর্ণ সর্বসত্যপকারক নিঃস্পৃহ সর্বত সিদ্ধ সর্ববিদ্যা বিশারদ সর্বসংশয় সচিত্তা অনলস গুরু Yeah.
Yeah.
आइए। ये मथुरा का विश्राम घाट है, ब्रजमंडल परिक्रमा का यहीं पर संकल्प लिया जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ महाराज, ये खेतना नहीं, गोविंद आय नमो नमः। अब जल ले ले, अपने अपने हाथ में जल ले ले सभी। ओम बोलो श्री विष्णु, श्री रमण कुमार आज्ञा ब्रह्मणो तुदीय प्राणाज, श्री श्वेत बारा कल्पे वही बल सुखमन मंत्रे अच्छा विंशित कमे कल युगे कल प्रसम चल रहे जम्मू जी पे भरत गंदे भारत वर्ष आदि बरा भूतेश्वर क्षेत्र बहुजार तारे विक्रम सके श्री सूर्य रव दक्षिणायण बना दिन तू महामंगल मासो कभो मासे दामोदर मासे सुबह किसने पक्ष यमुना जी हमें जो है ना ब्रज और राशि बोध की परिक्रमा कर रहे हैं। आप आनंद से हमारी यात्रा को शुरू करें। इसी प्रकार से मथुरा में विश्राम घाट, यहाँ पर नाना कंस को मार करके भगवान ने विश्राम लिया है, इसी से इसका नाम विश्राम घाट है। ये कृष्ण बलराम का मंदिर है, शाम है और बीच में पूजा, और यहाँ पर जो है सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है। আপনারা শুনেছেন নিশান্তর কালী যে ভজন, তাকে একটু শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা সত্যি বিশ্বাস দৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্বকর্ম কৃত হয়, সমস্ত কর্তব্য হয়ে যায় কৃষ্ণে ভক্তি করলে ভজন করলে। এর থেকে আরম্ভ হল দ্বিতীয় জাম সাধনাতে সাধু সঙ্গ ভজন ক্রিয়া প্রাণাশ্চরী কৃতি ইত্যাদি। আর এখন তৃতীয় জাম সাধনে প্রাণাশ্চরী বৃত্তি হয়ে যায় তখন নিষ্ঠা হয়, চিত্তের নিশ্চিত স্থিতি হয়। আগে আপলো নিশান্ত জাম যে সাধন কিয়া পহলে হতো শ্রদ্ধা, ভগবত প্রেম প্রাপ্ত করলে গেলে প্রারম্ভ শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ কা ভজন করলে তো তমাম কর্তব্য হয়ে যায়, কোই কর্তব্য বাকি নেই রয়েছে। না কৃষ্ণ ভজন কিয়া পিতা মাতা কি সেবা দেব দেবী সেবা বাকি রয়ে যায়, কৃষ্ণ কা ভগবত মে বিশ্বাস নেই। জব কৃষ্ণ ভজন সে তমাম কুছ হয়ে যাতা হয় আর তর ধ্যান কেউ দেবে মতলব সজীব ভক্ত নষ্ট করিয়ে। এস প্রকার শ্রদ্ধা সে শুরু হতে হয় কৃষ্ণ ভজন, উসকে বাদ সাধু সন্ত, সাধু কে সঙ্গে আনন্দ ভক্ত ভী সাধু গে সাধু কা প্রাণী আনন্দ ভক্ত যে সাধু হয়কা সঙ্গ উনকা সঙ্গ সে ভজন হতে হয়, ভজন ক্রিয়া বহুত কিছু কাজ ভজন হয়কা হম নাম সংকীর্তন সর্বত্র রাস্তা মে আপলোক নাম কীর্তন করকে আয়ে হ্যাঁ और उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। जो वास्तव में हम लोग का प्रयोजन नहीं है उसका और प्रयोजन नहीं समझते, दुनिया में हम लोग का धन जौन कितना कितना का कंखा है वो सब नहीं रहते। एकमात्र तीसरा जाम साधन ने नाम कीर्तन करने के लिए अधिकारी निर्णय किया, नाम कीर्तन अधिकारी के ये विषय महापुरुष शिक्षा दिए, यही नाम निरे तमन को अपराध भाया सुना विश्वी देना তরোরূপী সহিষ্ণুনা আমারি না মান দেন কীর্তনীয় সদা। যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হন, নিজে মান শূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনি সর্বদা হরিকীর্তির অধিকারী। কোন অধিকারী হয় অধিকারী হতায় চিল্লা মর নেই হোগা, ট্রেন সে ভি শুনি ট্রেন কাজ অভিমান হয় দুনিয়া কাজ মানে দুনিয়া কাজ হু এসে মুখ মে কহনা নেই
अंदरनी अनुभव करना, मैं कृष्ण का हूं और पैर से भी शाम सिंह है और मान शून्य होकर दूसरे को मान देना। मान किसी से जश नहीं, प्रतिष्ठा कामना नहीं करना, सबको सम्मान करना। तो इस प्रकार करने से भी अपराध नहीं होता है, तब हरि कीर्तन का अधिकारी बनता है। हर वक्त हरि कीर्तन करना है चार गुण में गुणी होकर। जेरूपी रही नाम प्रेम उपजाए, तर लक्षण श्लोक सुना स्वरूप राम राय। इस प्रकार से नाम देने से प्रेम प्राप्त होता है पंचम पुरुषार्थ। उनका लक्षण क्या है? स्वरूप दामोदर राय रमन से माफ करके उसको ही अपना के माने से नाम सहनशील होना। वृक्ष जन काटे किचु ना बोले, सुखिया महिले कार्य पानी ना बोले। वृक्ष जैसे वही उनको काटने से कुछ नहीं बोलता है, सुख के मर जाना से किसी से पानी नहीं मांगते, आपने से किसी को कष्ट नहीं देते। लेकिन जो उनको दाम को काट दिया, जो उनके पास वो आ जाए तो वृक्ष नहीं कहते तो उनको आश्रय नहीं देंगे। जो डाल काटा उनको भी आश्रय देते, धूप सहन कर लेते, बारिश सहन कर लेते, उनका आश्रय देते। ये जी मगे तरह दैन अपन धन घर में किसकी सया निर्भर रखा उत्तम वैष्णव अभी निरोधिमान जिन्हें सम्मान दिया कृष्ण अधिष्ठान। ये जीव बहुत खराब है, गंदा है, लेकिन हमारा इष्ट देव कृष्ण तो उनके अंदर में है। यही विचार करके उनका सम्मान करता। अभी भक्ति ठाकुर जो कीर्तन किया वो आप लोग वही कीर्तन आचार्य महाराज करेंगे, आप लोग उसका पीछे पीछे। Oh,
भक्तों ठाकुर वर्णन कर रहा लीला को भी याद करने की प्रबुन्न काले नमस्ते करे चिंता करो महाकाल काल में लीला इस प्रकार होता है नाम आश्रय करने का बखात चिंता करने पड़ता है चिंता में सारा भजन है कुर्बान्य धेन मित्र विपिन मनुष्यतम ओष्ठानुगान ओष्ठानुगानुजातम कृष्ण राधा की लोलम तदविश्रुति की दे प्राप्त तत्कुंड तेरा राधा चालक कृष्ण कृतज्ञ गमराम आर्ज अर्चना दिष्टान कृष्ण प्रवृत्ति रहित निज सखी बात्मने स्मरण जिन्हें कुर्बान ने धेनु और मित्र गणेश बने गमन कर श्री नंद महाराज जशोदा देवी ब्रजवासी गण तार पश्चात पश्चात गमन करें जिन श्री राधा प्राप्ति विशेष सत्कृष्ण जिन श्री राधा रविशरण श्री राधा कुंड तीर उपस्थित हन से कृष्ण के आम स्मरण करी राधारानी की लीला जिन नंदालय कृष्ण दर्शन आनते সেখানে নন্দ মহারাজ রাধবীর তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলে যখন রাধারানী গোপীগণকে নিয়ে আসেন নন্দগ্রামে বন্ধনের জন্য নন্দরানী করে কৃষ্ণের সেবার পর ফিরে যান আবার যাবটি কৃষ্ণ দর্শনান্তে গৃহে উত্থাপন করে সেখানে তার শ্বশুর রয়েছে শাশুড়ি রয়েছেন অন্যান্য সব রয়েছে নরদাদি জটিলা সবসময় দেখে রাধারানী কি করে এই জন্য কৃষ্ণ রাধারানীকে বললেন যে এরকম ভাবিতে তুমি এক বুদ্ধি করো সূর্য পূজা বললে গৃহস্থ লোকরা দেবদেবী পূজাটা ভালো মনে করে তাতে কিছু লাভ হয় সূর্য পূজার কথা বললে বাধা দিবে না কৃষ্ণ ভজনের কথা বললে বাধা দিবে এই জন্য রাধারানী সূর্য পূজার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন জটিলার কাছে জটিলার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন হ্যাঁ এটা ঠিক কথা সূর্য পূজা করা উচিত কিন্তু সূর্য পূজার ছলনায় কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন এই জন্য সখীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সখী এসে খবর দিলেন সখীর আগমন পথের প্রতি অত্যন্ত ব্যাকুলে দৃষ্টি নিশ্চিত করে থাকেন সেই রাধিকাকে আমি স্মরণ করি राधिका जी क्या लीला है राधिका अभी प्रातः काल में नंद भवन में अर्थात नंद ग्राम में आते हैं जा पर से उसी करने के लिए राधा रानी का हाथ से खाने से
कृष्ण का आयु बढ़ेगा। नंद महाराज जड़ोदेव का इस प्रकार मालूम हुआ, दुर्भाषा ऋषि से उनको वर मिला, इसलिए राधा रानी को बुलाते हैं। राधा रानी नंद ग्राम में जाकर रसोई करती है और कृष्ण को जड़ोदेव खिलाती है, उसका प्रसाद पाके फिर वापस आते जावट में। आगे कृष्ण से कैसे मिलेंगे? बहुत बाधा है, तो बाधा होता है प्रेम का वर्धन करने के लिए। बाहर में जटिला कुटीला बहुत कुछ है, उनको सास है, सास हर को देखती है राधा रानी क्या करती, कहाँ जाती है। कृष्ण उनको बुद्धि बतला दिया, तुम सूर्य पूजा का बहाना करो, तो अब गृहस्थ लोग उसमें समर्थन करेंगे। तो गृहस्थ लोग का बहुत कामना प्रश्न है, कृष्ण पूजा में उनका रुचि नहीं है, निष्काम से विष्णु पूजा करते, सूर्य पूजा करने से उन लोग साथ साथ में सम्मति दे देंगे। तो राधा रानी जोटिला से सूर्य पूजा का प्रार्थना किया, जोटिला उसी वक्त बोल दिया हाँ ठीक है, ठीक है सूर्य पूजा करो। सूर्य पूजा तो नहीं करेंगे, सूर्य पूजा का बहाना में कृष्ण से मिलेंगे। एक सखी को भेज दिया, कहाँ पर कृष्ण से मिल सकता है, सखी आके खबर देंगे। वही सखी के आगमन पथ के ऊपर उतलाव के निगाह देखी रहती है, ये राधिका को माए याद करते। हरे कृष्णा कृपया शांति का दान दीजिए। हरे कृष्णा प्रकार से हुआ, पहले बांग्ला बोलेंगे उसके बाद हिंदी कर दो, मथुरा की तरह बोलो। সকল পুরাণে মথুরা নামের উল্লেখ আছে, যাদের প্রজামন্ড পরিক্রমা গ্রন্থ আছে 17 হিন্দিতে কাহা পর জানতে নেই। মথুরা ধাম কা অবস্থিতি হিন্দি প্রজামন্ড পরিক্রমা মে হ্যাঁ, বাংলা মে 17 পৃষ্ঠা দিন বাংলা এখানে প্রায় হাতে যারা কিনে নিয়ে নিয়ে সমস্ত পুরাণেই মথুরা নামের উল্লেখ আছে। কেবল রামায়ণ হরিবংশে মথুরার উৎপত্তি কথা পাওয়া যায়, রামায়ণের লিখিত আছে লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মধুদৈত্য, মহাদেবের ভক্ত ছিলেন, তিনি কঠোর তপস্যা করত, মহাদেবকে প্রসন্ন করে মহাদেবের নিকট থেকে একটি অদ্ভুত শক্তি যুক্ত সুর লাভ করেছিল। মধুদৈত্যের প্রার্থনা অনুযায়ী মহাদেব তাকে এরূপ বর দিয়েছিলেন, যে সুর সে লাভ বিষ্ণু সে লাভ করেছে সেই সুর যতদিন তার পুত্রের নিকট থাকবে ততদিন তাকে কেউই বধ করতে পারবে। মধুদৈত্যের পত্নীর নাম ছিল কুম্ভনাশা, তিনি পুত্র প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন, একটি সুন্দর কুল নির্মাণ করলেন। মহাদেবের বাক্য পারে না, যথাকালে তার পুত্র হল, পুত্রের নাম রাখলেন লবণ। কিন্তু দৈবের এমনই পরিহাস, লবণ দৈত্য যতই বড় হতে লাগলো ততই সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, দৈত্য তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাকে সুর অর্পণ করে দুর্লায় চলে গেলেন। পুত্রের কাছে শুধু থাকলে সে মরবে না, পুত্রের কাছে দিয়ে আর পুত্রকে থাকলো না, করুণায় চলে গেল। লবণ দৈত্য সুর লাভ করে ভীষণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করল, এমনকি তপবনবাসী ঋষিগণকে ছাড়ল না। ঋষিগণ উপায়ন্তর না পেয়ে ভগবান রামচন্দ্রের নিকট উপনীত হয়ে লবণ দৈত্যের দৌরাত্ম্য নিজেদের দুঃখের কথা জানালেন। রামচন্দ্র লবণ দৈত্যকে দমনের জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠালেন, তথায় পৌঁছলে লবণ দৈত্যের সহিত তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। শত্রুঘ্ন অনেক কষ্টে কৌশলে লবণ দৈত্যকে বধ করে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তখন প্রসন্ন হয়,
তারা সকলেই শত্রুগ্রহকে বর দিতে আসে। শত্রুগ্রহ তাদের নিকট এই বর চাই। দেবর অনুবিকা মধুপুরী মধুরা শীঘ্র সমৃদ্ধ হয়ে রাজধানীতে পরিণত হল। হৌক এটা হবে হৌক, এই হল ইচ্ছা। তৎপর শত্রুগ্রহ সেনা আনাইয়া লবণাশ নির্মিত প্রাসাদ গুলি সংস্কার ধারে অত্যাচ লবণ এবং দ্রাক্ষ মধুপুত্র এবং মহাবলম শত্রুগ্ণ মথুরা নাম করি তত্র চকার তত্রৈব দেবদেবস্য সন্নিধিম হরিমেধসা সর্বপাপহরি তস্মিন তপস্তিপ্তি চকারস ইষ্টুপুরা। যে মধুবনে শত্রুঘ্ন মধুরাক্ষসের মহাবলশালী লবণ রাক্ষসকে বধ করে মথুরা নামক পুরী নির্মাণ করেছিলেন, সে মথুরাপুরীতেই হরিপরায়ণ দেব দেব মহাদেবের অবস্থান। তিনি সর্বপাপহারি তীর্থ তীর্থ তপস্যা করেছিলেন। ভক্তিরত্ন করে আছে মধুর বনাং প্রথমত যত্রময়ী মথুরাপুর মধুদৈত্য হতযত্র হরিনা বিশ্বমূর্তি। প্রথমে মধুদৈত্যের বন যেখানে মথুরাপুরি অবস্থিত, যথায় বিশ্বরূপী শ্রীহরি মধুদৈত্য বধ করেছিলেন। রামায়ণে মথুরার পরিবর্তে মধুপুরি ও মধুরা মথুরা নাম মধুরা এই নামের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতে সকল প্রাণী মথুরা নাম পাওয়া যায়। তাতে অনুমান হয় রামায়ণে উল্লিখিত মধুপুরি মধুরাই পরবর্তীকালে মথুরা নামে খ্যাত হয়। কোন প্রত্যত্তদী বলেন মথুরা শহরের দক্ষিণ পশ্চিম অবস্থিত মোহরি নামক পুত্র গ্রামে আদিম রাজা মধুদেবের মধুপুর ইয়ং মধুপুরী রম্মা মধুরা নিবন্ধিত। শত্রুর ঘুণের বংশ লোক হলে মথুরার শীর্ষঙ্গীর আধিপত্য হয়। ভাগবত শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে শীর্ষের বংশে যদুগ্র তিলক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা আমরা জানি। ক্রমশ কংস মথুরাকে রাজধানী করে আধিপত্য বিস্তার করলে মথুরা নামে বেশি প্রসিদ্ধি হয়। পরবর্তীকালে যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বদ্রনাথকে মথুরা খণ্ডের রাজত্বভার সমর্পণ পূর্বক মহাপ্রস্থান করেছিলেন, যা শাস্ত্র প্রমাণ দৃষ্টিতে জানা যায়। বদ্রনাথ বহু ভগবান মূর্তি ব্রজমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই গুণটা জনিত বলা মধুপুরী হত্র বিরাস উৎসবা মথুরা ধাম নিয়ে আয়া হ্যাঁ इस प्रकार चिंता हुआ कि मथुरा रामायण में लिखा मधुरा मधु ये कृष्ण का स्थान है ना, इसलिए मधुरा उनका। इस प्रकार हम लोग सुनते हैं उनके बारे में, मथुरा के बारे में, सबने मथुरा नयन मथुरा बदने मथुरा हृदय पूर्वत मथुरा পরতো মথুরা 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 মধুরা মধুরা তো মধুর হয় মধুরা হয় ওই যা পর পুরাণ মে মথুরা নাম কা উল্লেখ হয়। সিফ রামায়ণ আর হরিবংশ মে মথুরা কা উৎপত্তি কি কহা সে কেসে উৎপত্তি হওয়া মিলতা হয়। রামায়ণ মে ইস প্রকার লিখা হয় লোলা এক অসুর হয়, উনকা লিপরা লেখা কা নাম তা মধুদে। মধুদেব তো মহাদেব কা ভক্ত, কঠোর তপ কিয়া তপ করলে সে মহাদেব সন্তুষ্ট হওয়ার উনকো দর্শন দিয়ে আর উনকো একটা সুর প্রদান কে ও সুর এসা হ্যায় জব তক উনকা পুত্র কা বাদ রহেগা উনকা মৃত্যু নেই। আমি তো পুত্র উনকা হাই নেই, ইসলিয়ে মহাদেব কা এক বর ভি হওয়ার পুত্র ভি হোগা আর পুত্র কা পাশ সুর রহেগা তো কোই উনকো মান। উনকা পত্নী কা নাম কুম্ভনুষ,
लेकिन क्या हो गया, पुत्र तो हुआ, पूर भी निर्माण किया, वो पुत्र बहुत दुष्ट हो गया, इतना दम बचने लगा और पिताजी उसको सहन नहीं, इसे क्या किया, वही उनका नाम रखा लगन, लगन के पास अपना सुन दे दिया, पुत्र के पास रहने से तो कोई मानने से क्या बुरालों में चला गया, ये बहुत अभद्र है पुत्र उसके साथ नहीं रहना, उनको देखे उन्होंने चला गया। इसके बाद लगन तो सुन प्राप्त करके बहुत ताकत भर गया और जितना ऋषि को अत्याचार करने लगा, ऋषि को उपाय नहीं आए तो भगवान रामचंद्र के पास पहुंचा, हम लोग का ऐसा मुसीबत रहा है, भगवान देवता हम लोग को बहुत कष्ट दे रहा है, रामचंद्र का हुकुम से उनका ही अंश शत्रुघ्न यहाँ पर आए थे, आके लगन द्वित को निधन किया, बहुत कष्ट, इससे देवता का प्रसन्न होके बर देने के लिए आए, शत्रुघ्न कहते बर क्या है, ये जो है ये स्थान देते शहर से राजधानी से परिणत हो जाए, देव निर्मित मधुपुरी मधुरा इसको कहते मथुरा, इसलिए वो जो गौरज गौरजरा पद में स्थापन हुआ और यहाँ पर कंस अपना राजधानी किया, उससे इसका उजारा और ज्यादा होगा, और ऐसा मधुमान को बार भी कहते हैं भूदत्व का बल था, यहाँ पर मथुरापुरी की है, मधुवन कहते विश्व ऋषि हरि वहाँ पर मधुवन का हम लोग सुनेंगे, भूदत्व बात थी, इसको हम लोग बहुरी बोल के जानते हैं, शत्रुघ्न बहुत सुंदर जब लोक हो गया तो सुरसेन का जो आधा है अधिपति यहाँ पर वही हिमा भागवत शास्त्र भगवान कृष्ण वंश में मधुकुल तिलक कृष्ण का आविर्भाव यही है, अभी स्थान पर हम लोग आए हैं, ये होता है उत्तम परिजन कृष्ण जो था से विश्राम घाट उत्तर जाता था, वंश को मार के यहाँ पर कृष्ण विश्राम किया, भगवान लीला करते हैं ना, तो स्वर्ग शक्तिमान को क्या मिला, तो अभी वंश का बात लीला करते यहाँ पर आके विश्राम घाट विश्राम किया, तो विश्राम घाट नाम परम पवित्र घाट है, विश्राम घाट का उत्तर और दक्षिण दिशा में 1200 गज करके उत्तर दिशा दक्षिण दिशा 24 घाट, उत्तर दिशा में उत्तर कोट, दक्षिण दिशा में मराठी घाट दक्षिण कोट, दक्षिण कोट अभिगुप्ता अभिरूढ़ उज्जवा प्रयाग कंखल सिंधु बंगलादेश प्रशिक्षण ये घाटे उनको भाष्कर दिन मिले हैं, पर्वती बांगाली घाट नाम में प्रसिद्ध है, बांगाली जहाँ पर हम लोग सूर्य घाट पटस्वामी ध्रुव घाट ऋषितीर्थ मुक्तीर्थ बोधतीर्थ, उत्तर कोट में मणिकर्णिका वशीकुंड संगमान तीर्थ स्वामी घाट वसुदेव घाट धरापतन तीर्थ नागतीर्थ वैकुंठ घाट खजाभरण घाट समुदीर्थ गोघाट पुष्पगंगा चक्रतीर्थ विघ्नराज घाट दशाश्वमेध घाट, ये घाट है घाट विश्राम, यहाँ पर स्कंद पुराण में है तत्र तीर्थ महाराज विश्रांति लोग विश्रितम भ्रमित सर्व तीर्थ आदि विश्रांति की जानते शाश्वती, ये महाराज मथुरा है लोक प्रसिद्ध विश्रांति तीर्थ विराज तथा लोग सर्वतीर्थ भ्रमण करिया उनसे विश्राम लाभ करे संसार जवा जंत्रणा होती विश्राम लाभ आज विश्रांति तीर्थ, विश्रांति तीर्थ महिमा स्वरूप पुराण में दिया, यहाँ पर कहते मथुरा में लोक प्रसिद्ध एक स्कंद पुराण का प्रमाण है विश्रांति तीर्थ है, विश्रांति तीर्थ भ्रमण करने से यहाँ पर विश्राम जब करे तो क्या होता है संसार का जो कष्ट से मुक्त हो जाते विश्राम लाभ होता है, ये भगवान का लीला भूमि आप लोग आए हैं, मथुरा में भगवान का आविर्भाव स्थान है, यहाँ हर एक राज्य में भगवान का प्रातुम का झुड़ी है, ये झुमरा है, कितना शोभा के साथ लोग यहाँ पर आया है और यहाँ पर कम से भक्ति विश्राम किया, कितना पवित्र है, कितना हो भाग है, सोचना चाहिए शोभ पुराण में प्रमाण है नाम तत्व तीर्थ स्नान
जाते रचित नर समुक्त भव संतावर अमृतत्ताय कल्पते स्वरूपण्य लोकेर संसार मरुभूमिते विचरण दरित क्लेश होते विश्राम प्रद पाप विनाशन विश्रांति गिप्त नमित्त संसार जो मरुभूमि का है रेगिस्तान का माफी यहाँ पर कष्ट मिलता है क्लेश है यहाँ पर आने से तमाम पाप ध्वंस हो जाता है और कष्ट से विश्राम बाबत कष्ट मुक्त मुक्ति होता है ये व्यक्ति द्वारा स्नान करे उचित अर्चन करे तो संसार बाबत मुक्त अमृत लाभ जो कि यहाँ पर स्नान करके उचित भगवान का अर्चना करते संसार बाबत से मुक्त होकर अमृत लाभ करते हैं इस प्रकार सब शास्त्र में महिमा है विश्राम दिन का अभी हम लोग इतना करके कहाँ जाएंगे भले भले और नाथ तुलसी मस्तक नवद्र